आदेशित किया गया हूं कार्यक्रम शुभारंभ करने के लिए, तो आदेश का अनुपालन करते हुए आज 31 दिसंबर की पूर्व संध्या पर यह शुभारंभ कार्यक्रम का सर्वप्रथम माता आदिशक्ति भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए बुंदेलखंड ग्वारा की इस पावन पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक में चंदन स्वरूप में अंकित करते हुए आज मुख्य अतिथि की भूमिका का निर्वहन करने वाली सम्मानीय बहन श्रीमती गुड्डी सिंह जी और दर्जा प्राप्त मंत्री जी के सुपुत्र साहब कुंवर साहब, आपका हृदय से अभिवादन वंदन नमन कर रहा हूं। मंच पे उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय से अभिवादन वंदन नमन करते हुए दूर दराज से पधारे विद्वान कलाकार बंधुओं का, विद्वान श्रोताओं का शुभ आशीर्वाद अपने सर पे लेते हुए आज की जवाबी में प्रतियोगिता के दौर में प्रतियोगी की भूमिका का निर्वहन करने वाली बुंदेलखंड की नवोदित कलाकारा उदयमान सूरज नीलम विश्वकर्मा जी, उनके कुशल एवं सक्षम साथियों का हृदय से अभिवादन वंदन नमन करते हुए हम दो कलाकारों के मध्य में तीसरे कलाकार के रूप में सम्मानी साउंड सर्विस के ऑपरेटर महोदय, आपका हृदय से अभिवादन है, नमन है, वंदन है। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जनपद से पधारे केएस म्यूजिक सिस्टम संजय भैया, आपका, आपके साथियों का भी हृदय से अभिवादन है, नमन है, वंदन है। कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए इसके पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता पौराणिक कोष को बचाने का प्रयास किया है जवाबी कीर्तन के माध्यम से। मैं इसी समिति को और समिति के सभी पदाधिकारियों को बार बार प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आइए विलंब न करते हुए आपकी सेवा में कानपुर नगर की सबसे छोटी पार्टी लाल मन चंचल एवं साथी श्याम नगर कानपुर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूं। ज्यादा बोलना है, स्वाभाविक गलतियां होंगी और क्या, इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। आइए कार्यक्रम सुनते हैं। आ
इलेक्शन दो महीने के लिए टल गया है, संगीत ग्यारह देवी हमारी लंबाई की वजह से मॉनिटर कम हो गया। हाँ, ये हमारा दोष नहीं है, ऊपर वाले का दोष है, इतना लंबा काहे बना दिया। लेकिन बहुत होशियार व्यक्ति हैं, इनके पास कवरिंग बहुत है, इतना अच्छा साउंड, जितना अच्छा घुआरा में साउंड मिलता है कभी ना कभी तो मिल जाता है, और क्या, लेकिन हर जगह नहीं मिल पाता है। बेहतरीन वीआईपी। वरदे वरदे शारदे और धरदे सर पर हाथ, दुख हर दे कर दे कृपा, तुम्हें न मांगूं मात। क्यों क्यों सरस्वती ईश्वर दायनी, सरस्वती ईश्वर दायनी, कंठ दीजियो खोल, रसना में आकर रमो मा, रस अमृती दो घोल। शेरा बाली मां, जोता बाली मां, पहाड़ा बाली मां, ए लाट
बेटा वाली मां बीड़ा वाली मैया, अरे बीड़ा वाली मैया मेरी बीड़ा वाली मैया। वंदना का दौर ले रहा हूं भैया, चाय मीठी है और चाय जब मीठी ले रहे हैं और वंदना भी आपको अच्छी लगे, अगर अच्छी लग जाए तो आप सबकी कृपा है। चल रहा हूं माता से, कह रहा हूं माता मैया, आज इस बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर पुनः मुझको आमंत्रित किया गया है और आपका आदेश हुआ तब मैं आया हूं, और क्या, मुझको किसी ने नहीं बुलाया, मुझको बुलाया है माता ने। क्यों क्यों, जब तक उसका आदेश नहीं होगा पत्ता नहीं हिलता है, लाल मन क्या आएगा, कभी नहीं आएगा, उनका आदेश हो गया मैं आ गया। तो कहता हूं आज अगर बुलाया है आपने तो महारानी इतने निवेदन कर रहा हूं क्या, बीड़ा वाली मैया मेरी नैया बचाना, नैया बचाना नहीं ये नैया बचाना नहीं हंसेगा जमाना, अगर ये शरीर कमजोर हो जाएगा माँ फिर खा पी के बना लिया जाएगा, अगर धन से कमजोर हो जाएगा ये भक्त मेहनत करके फिर अर्जित कर लिया जाएगा, लेकिन अगर मर्यादा चली जाएगी तो फिर वापस नहीं मिलती। इसलिए महारानी कहना है क्या क्या, अरे नैया बचाना नहीं ये नैया बचाना नहीं हंसे जमाना, बीड़ा वाली मैया मेरी नैया बचाना, पहली बात देखें आप महारानी कि जाऊं कहां, जिन्होंने बुंदेलखंड का दर्शन मुझे पहली बार कराया और इस मंच तक लाने में पूरी भूमिका निर्वाही हमारे बड़े भाई सम्मानित श्री सुनील तिवारी जी शायगढ़, आपकी तरफ से ये 101 रुपया माँ के चरणों में प्रणाम है, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, बड़ी श्रद्धा से आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ बड़े भैया। सुने आप सुने कि जाबू कहाँ एते बार नहीं गए, आखिर जाए तो किधर जाए, किस पे एतबार करूं, बैठ जाओ ना दिया भगवान तुम्हारा कीर्तन सुनने आ गए, जय हो। अरे जाबू कहाँ एते बार नहीं गए, करे अपने पत वार नहीं है, बहन गुड्डी सिंह जी अपने हाथ में छह चीजें नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हान, अगर अपने हाथ छह चीजें होती करोना कुछ ना कर पाता, सारी व्यवस्था पहले चकाचक आओ करोना चले आ, लेकिन नहीं हो नहीं सकता है। हमारे आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदया सम्मानीय बहन श्रीमती गुड्डी सिंह जी, आपकी तरफ से ये 501 पत्रपुत्राएं माँ के चरणों में प्रदान है, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, हृदय से आपको प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, जय जय मातृ शक्ति है, नारी शक्ति को बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। कह रहा था मैं वाह 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 वाह, बढ़े पुत्र पिता के धर्मा धरती उपजे अपने
करवा। हमारे विधायक जी के सुपुत्र साहब छोटे कुंवर साहब, उनकी तरफ से भी 500 रुपया प्रदान हुआ है, इनके लिए जोरदार तालियां ठोक दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से आपको, शुभ आशीर्वाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ये हमारे छोटे भाई हैं, इनकी महानता है। और कीर्तनकार बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष महोदय सम्मानित देवेंद्र तिवारी जी और पप्पू भैया, आपकी तरफ से भी 501 पत्र मुद्राएं आई हैं, इनके लिए भी स्वागत की श्रृंखला में तालियां ठोक जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी अतिथियों को, मंच पे मैं प्रणाम कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं एक एक बात सुनिएगा, आपका दिल कहेगा तो आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। सुने कि जाबू कहां, ए जाबू कहां, सवारी जारी है। एक अच्छा लड़का बुंदेलखंड का हमारे साथ संगत कर चुका है, आज सौभाग्य वो भी मौजूद है, आशीष सोनी बानपुर टीकम। सुने आप, सुने कि जाबू कहां, एते बारी नहीं ने ओकर अपने पति वार नहीं है, तो जाना न मैंने मैया, ए जाना न मैंने मैया, और तू फाका आ बीड़ा वाली मैया मेरी नैया बचा। वाह वाह वाह, क्या बात है, इनकी ढोलक छोटे रिचार्ज हैं ये। और हमारे विधायक जी के सुपुत्र साहब की तरफ से, छोटे कुंवर साहब की तरफ से, इनके लिए 500 रुपए बड़े रिचार्ज के लिए पैसा मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभ आशीर्वाद है। हम एक बात चाहते हैं कि तुम ही ढोलक, तुमको 500 मिले, हमने हमको मिले, हमने धन्यवाद दे दिया, अब तुम्हारी गरज हो तो तुम भी धन्यवाद ढोलक से। बस वंदना को बढ़ा नहीं रहा हूं, अंतिम बात पेश कर रहा हूं, जवाबी से जोड़ दो, ठीक है ना? क्यों क्यों, एक बहुत अच्छी बात ला रहा हूं, अच्छी लगेगी। क्यों माता,
अरे लालमन नहीं, इतने लाल तुझे मना रहे हैं और तेरी वंदना कर रहे हैं। एक लालमन नहीं, इस प्रांगण में उपस्थित हर लाल तेरी वंदना कर रहा है माँ। कि पलकों में प्यारे पैगाम पले हैं और आंचल में तेरे राम श्याम पले हैं। अरे ईश्वर को भी तूने पाल दिया महारानी, जय हो तुम्हारी। सुनिए आप, सुनिए, एक छोटी सी हरकत करने का मूड बन गया है हमारा। सुने आप, सुने कि पलकों में प्यारे पैगाम पले हैं और आंचल में तेरे राम श्याम पले हैं। अरे आंचल में तेरे राम श्याम पले हैं। तो ये चंचल रहे मैया, एक बार कृपा हो जाए। और ये चंचल रहे मैया और चंचल घर आना, कीड़ा वाली मैया मेरी मैया बचाना नहीं, हंसे का जमाना पीड़ा वाली मैया रे ना। प्रेम चलो सच्चे दरबार की जय। हेलो 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 जी, हेलो तो लीजिएगा, जैसा कि आदेश हुआ है अपनी ओर से कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश माता सरस्वती उस आदर प्रणाम कर रही हूँ। माता रानी से निवेदन कर रही हूँ कि वो मेरे मंच पर आए और हम बच्चों की कृपा, बच्चों पर कृपा करें। आइए कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री राम के दरबार में सामंडल प्रणाम कर रही हूँ। जय हो। प्रणाम की श्रृंखला में इस ग्वारा ग्राम की पावन रज को अपने माथे पर अंकित करते हुए भागवत पुराण का जो यहाँ पर 7 दिवस का कथा पूजन चला है, वहां की पावन मिट्टी को अपने माथे पर अंकित करते हुए श्यामंडल प्रणाम कर रही हूँ। तत्पश्चात दूर दूर से आए हमारे तमाम सुनने वाले भैया दद्दा लोग, अतिथिगण सभी को सादर हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, सामूहिक प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम की श्रृंखला में प्रणाम कर रही हूँ अपने गुरु पूजनीय पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी, खरेला गुरुवर के चरणों में सादर प्रणाम है। प्रणाम की श्रृंखला में प्रणाम कर रही हूँ जिन्होंने छतरपुर में कीर्तन को जन्म दिया है, सम्मानीय श्री दादा पूजनीय स्वर्गीय श्री मैया दीन तिवारी जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। प्रणाम की श्रृंखला में प्रणाम कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ हमारे जो हमारा बड़ा सौभाग्य है, सम्मानिया श्रीमती गुड्डी जाहर जी, आपको भी हृदय से प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। प्रणाम की श्रृंखला में प्रणाम कर रही हूँ हमारे सम्मानी विधायक जी के सुपुत्र, आपको भी हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ हमारे सम्मानीय बड़े भैया, भैया श्री सुरेंद्र कुमार पूर्व अध्यक्ष जी, आपको भी हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ सम्मानीय बड़े भैया
भैया श्री शंभू हलचल जी जो उत्तर प्रदेश कानपुर से पधारे, आपको भी हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ हमारे सम्मानीय चाचा चाचा श्री सुनील तिवारी जी, भैया श्री अश्विनी पाठक जी और भैया श्री हमारे सुदेश सरगम जी, आपको भी सामूहिक हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। प्रणाम की श्रृंखला में हमारे भैया श्री अशोक जैन जी सरपंच जी और भैया श्री पवन शुक्ला जी, आपके समस्त साथियों को हृदय के साथ नमन वंदन कर रही हूँ। प्रणाम की श्रृंखला में आशीर्वाद चाह रही हूँ हमारे बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष बड़े भैया श्री देवेंद्र त्रिपाठी उर्फ पप्पू भैया, आपको भी हृदय से प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। प्रणाम की श्रृंखला में स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ। आज के संपूर्ण रात्रि हमारा जो सहयोग करेंगे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री लालमन चंचल जी, आपके और आपके कुशल साथियों को हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। सामूहिक मंच पर आसीन सभी गुरुओं को, सभी भाइयों को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। प्रणाम की श्रृंखला में स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ हमारे केएस म्यूजिक भैया श्री संजय भैया जी को, हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ सम्मानी भैया, हम दोनों कलाकार के बीच में जो तीसरे कलाकार हमारे भैया भैया श्री वीआईपी साउंड सर्विस के ऑपरेटर महोदय जी को, आपको भी हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी व्यवस्था है आपकी। आइए ज्यादा समय न लेकर सीधे आपको कार्यक्रम से जोड़ रही हूँ। चलो बेटे चलो, आपके सामने उपस्थित है ये बुंदेलखंड की सबसे सबसे छोटी पार्टी नीलम विश्वकर्मा एंड पार्टी छतरपुर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड। हेलो बस बेटे बस, लड़का जरकन उतार चुका है। हेलो हेलो हेलो, हेलो, एक बार सभी को हृदय से नमन वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए हमारे भाई को एक शिकायत है, बिल्कुल, कि श्रोताओं का सम्मान नहीं किया है, जबकि श्रोता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है कोई भी कलाकार हो, इसलिए सबसे पहले मैं सभी को हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ यथायोचित। बिल्कुल, हमारे दूर दूर से पधारे तमाम कीर्तन सुनने वाले भैया दद्दा लोग, सभी को हृदय से नमन वंदन, स्वागत है, आइए सुनिएगा। सुने थोड़ा मैन माइक का वॉल्यूम और बढ़ा दे भाई साहब। आइए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जब भी कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले महामाई माता सरस्वती के चरणों में चला जाता है, क्योंकि माता अगर चाहे तो कलाकार है, अगर माता ना चाहे तो वो बेकार है। और क्या बेटे, आइए हमारे तमाम भाइयों ने सुंदर सी व्यवस्था को व्यवस्थित किया है, 7 दिवस तक यहाँ पर कथा को सुना है आप लोगों ने, तत्पश्चात कार्यक्रम रखा गया है जवाबी कीर्तन का, तो माता रानी के चरणों में चलते हैं, माता रानी से निवेदन करते हैं कि हे भवानी आपकी कृपा से ये कार्यक्रम सफल ही नहीं बल्कि सफलतम की ओर जाए, लेकिन माता रानी इसमें आपको स्वयं आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे में वो क्षमता नहीं भवानी कितने सुंदर कार्यक्रम को मैं सजा सकूं, और वास्तव में आज का गायन किसी साधारण कलाकार के साथ नहीं है, बिल्कुल बेटे, जो सुरों के फनकार हैं, जानकार हैं हमारे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री लालमन चंचल जी, आपके साथ गाना
बड़ा कठिन विषय होता है, इसलिए कहना है हे माता रानी, आज आपके हाथ में लाज है मेरी। तो माता रानी से निवेदन हम बच्चे भी करेंगे, साथ ही आप लोगों से भी निवेदन है, ये वंदना हम लोग गाएंगे, लेकिन साज और आवाज से हम लोग माता रानी की वंदना करेंगे। विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने भाव हमारे साथ मिला लें, ताकि वो वंदना हमारी और आप सबकी तरफ से हो जाए। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। सभी से निवेदन है, पंक्तियों को सुनिएगा। जब भी कार्यक्रम कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले बाबा गणेश जी का पूजन किया जाता है, जिससे यह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। आइए चंद पंक्तियां बाबा गणेश के चरणों में। चलो बेटे। कहना है क्या बेटे? कि गणराज तुम्हारी महामहिमा सुर नायक से सिर नाथ रहे, तिहि लोकन के तन धारी सवे, पद पंकज शीश नवाते रहे, तो रस रंग करे इतनी विनती, विन विघ्न ही हरि ध्यात रहे, तो नित मंगल मोद मनाते रहे, मन मोहन के गुण गाते रहे। बार बार प्रणाम है बाबा गणेश जी के चरणों में। जय हो। प्रणाम कर रही हूँ जिस शक्ति ने हमको मंच पर बैठना उठना सिखाया है, जिनके कृपा प्रसाद से, जिनके मार्गदर्शन से हम बच्चे कुछ कर पाए हैं। जय हो। सम्मानीय गुरुवर, और एक विशेष आशीर्वाद जो हम बच्चों के साथ रहता है, जिन्होंने वास्तव में माना जाए, जहां तक मैंने सुना है, छतरपुर जिले में जिन्होंने कीर्तन को जन्म दिया है। कीर्तन होता क्या है? हमारे सम्मानीय दादा पूजनीय स्वर्गीय श्री मैया दीन तिवारी जी, आप जहां कहीं हैं मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद हम बच्चों को श्यामंडल प्रदान करें। तो प्रणाम कर रही हूँ, वंदना कर रही हूँ चरणों की। जय हो। कि गुरुवर मोहिना विसारियो चाहे लाख जने मिल जाए, मौसम तुमको लाख है पर तुम सम मोको ना। बार बार प्रणाम कर रही हूँ गुरुवर के चरणों में, गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी, खरेला उत्तर प्रदेश, आपके चरणों में बार बार श्यामंडल प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। एक आशीर्वाद और मेरे साथ रहता है सम्मानीय बड़े भैया, भैया श्री देवेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू भैया, आपका मेरे ऊपर बड़ी कृपा और बड़ा सहयोग रहता है, आपको भी हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ मंच के माध्यम से, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। तो कहना है माँ याद देवी सर्व भूतेषु दया रूपेण क्षमा रूपेण कृपा रूपेण
रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी से निवेदन है, वंदन गीत को सुनेगा हमारे बहन जी बैठी हैं, मंचासीन हैं, तमाम सभी भाई हमारे चाचा तिवारी जी। आइए, हालांकि वंदन गीत में धुन बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन मुंबई वालों ने कुछ धुनियां ऐसी निकाली हैं जिनको गाने का बड़ा मन करता है। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। हाँ, पहले ये ले लो। कि तू है नैया मैं हूं पतवा, सभी से निवेदन है क्योंकि यहाँ पर हालांकि कम संख्या में लोग बैठे हैं, लेकिन मैं जान रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ कि जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग कीर्तन को जानते हैं और बड़ा अच्छा सुनते हैं आप लोग। आइए सुनिए, कम है लेकिन दम है तो कहना क्या? हे भवानी देना झनका, भवानी निवेदन कर रही हूँ, आज आप निज कर से कर कमलों से इस वीणा में झनकार भर देना माँ, और इस टूटी फूटी साज को अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करना। बिल्कुल जीते रहो। कर कमलों से नीचे वीणा
अरे देना छने का कि तुमसे मैया चले संसार, कि तुमसे मैया चले संसार सारे हर सपने गरम ढोलक बजा रहा है। देखें, सभी लोग जानते हैं कि माता रानी की दृष्टि से ही संसार चलता है। कहना हे माँ, चाहे मैं हूँ, चाहे संसार का कोई भी कलाकार हो, चाहे हमारे शमानी बड़े भैया भैया श्री लालमन चंचल जी क्यों ना हो, संसार का कोई भी कलाकार हो, तो कहना क्या रचना तेरी सुर है भैया भैया श्री विधायक जी के सुपुत्र हमारे भैया भैया श्री अमितेश सिंह जी, आपके माध्यम से 501 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य स्नेह प्रदान है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हमारे भैया के सम्मान में होने चाहिए। और भी पुरस्कार है, मैं बाद में बोल दूंगी सभी के। आइए सुनिए सुने रचना तेरी सुर है रचनाएं होती माता रानी तेरी कृपा से होती हैं। और का बेटे, लेकिन कहना है क्या मैं अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस कर रही हूँ भवानी। क्यों बेटे? क्योंकि कहना है क्या रचना तेरी ये सुर भी तेरा काम है, होता क्या है, काम है तेरा नाम है मेरा उसका नाम चला है जग में, उसका नाम चला है जग में, जिस पर हाथ रहा माते उसका उसका नाम चला है जग में, जिस पर हाथ रहा मा तेरा, तो जिस पर हाथ रहा मा तेरा हृदय कमल में बैठे के मैया, पवन भैया हृदय कमल में बैठे के मैया को तम को दियो निकाल, कि तुमसे मैया चले संसार
बेटे बाप शाबाश। संजय भैया धुन हल्की सी चेंज होता ही हो जाती है, प्रयास कर रही हूँ तो गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने तो कहना हार का बेटे। मेरे पग नाची तो नाचे तेरे कारण है बिल्कुल बेटे कि वैभव तुझसे यस मां तुझसे तो हरसना मैं हर रस मां तुझसे चंचल जी क्या बोल पड़े कहना है क्या पंक्तियां सुन लीजिएगा सुनना अंतर मन में रखूं ना अंतर अंतर मन में रखूं ना अंतर जुड़े तार बना दिया तो कहना है माँ क्या गाया है मेरे पग नाचे तो नाचे कहना क्या बने माता रानी से कि तेरे पग पाए तो जब माता रानी की कृपा हो जाती तो होता क्या है? क्या बड़े तेरे पग पाए तो पाया पत्थर भी नीलम बन जाए ए मां दा तेरे पग पाए तो पाया पत्थर भी स्वर सरगम की बहती
और इस सुंदर सी वंदना की रचना हमारे शमानी बड़े भैया भैया श्री हेमंत द्विवेदी उर्फ नटखट भैया ने की है। तो उन्होंने अपने भाव भरे हैं। क्या बात बड़े, ये नटखट की रचना है। सूखे अंकुर हरे आए माँ चंद्र चमन में भरो चांदनी। क्या बात बड़े, चंद्र चमन में भरो चांदनी। ये नटखट करे पुकार कहाँ है, चंद्र चमन में भरो रोशनी नटखट कर।